हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल फास्ट पे यूट्यूब इंजीनियर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, पूरी वीडियो जो है स्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे, और कैसे आपको उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने से लेकर बैंक अकाउंट तो जो आपके पैसा आएगा वो क्या प्रोसेस है, कैसा है, फुल डिटेल में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं इंडिया के अंदर, तो आप किसी भी स्टेट का अलग अलग पोर्टल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि आपको यूपी की कैसे आपको ऑनलाइन करनी है, अदरवाइज आप जो है किसी भी स्टेट के ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबका पोर्टल मिलता जुलता होता है, कुछ ही स्टेप चेंज होते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा फॉर्म को। इस फॉर्म को देख करके आप अदर स्टेट में भी रहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपना फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट क्या क्या आवश्यकता है और कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैंने सब पहले से एक वीडियो बना रखा है। आपको आई बटन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाएगा और इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा दोहरा देता हूं, कुछ जो है बता देता हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने डीपली बताया, आप उसको जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पैसों का मामला है और यहां पर पैसों के लिए हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यहां पर कुछ आपको गलती नहीं करनी है, एक भी गलती नहीं छोड़नी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो जिस भी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उससे प्रीवियस ईयर के आपके पास मार्कशीट होना बहुत जरूरी है, और एक फोटो होना जरूरी है, एंड उसके साथ में फीस रसीद, कॉलेज की जो है फीस रसीद होनी चाहिए, और आय जाति स्थाई वगैरह, और आधार कार्ड वगैरह, और इसी के साथ साथ बैंक पासबुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी हम जो है मैं फॉर्म में अप्लाई करके बताऊंगा, तो उसमें बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस पोर्टल से आपको अप्लाई करना है। देखिए, यूपी की जो वेबसाइट है वो है scholarship.up.nic.in। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको ये URL में अपने टाइप करना है। आप मोबाइल में भी इसको कर सकते हैं, अपने जो डेस्कटॉप मोड में जाइएगा गूगल क्रोम के, तो डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा और वहां पर इस तरह से स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहां पर जैसे कि आप आएंगे scholarship.up.nic पर, यहां पर आने के बाद आपको इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पर स्टूडेंट पर आएंगे और यहां पर उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको 6 जो है बॉक्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सारा काम जो है बॉक्स का है। आपने ये बॉक्स को ठीक से समझ लिया, इसके अंदर क्या कुछ है, कैसे है, क्या करना है, तो आप सारा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जो है वो माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, अदरवाइज आप इन धर्म के अंडर में नहीं आते, आप किसी और धर्म में आते हैं, तो आप यहाँ पर आइएगा। देखिए, जैसे कि आप SC या फिर ST में आते हैं, तो आपके काम के जो है वे दो बॉक्स हैं। आप जो है इन धर्म को छोड़ करके अदरवाइज किसी और धर्म में आते हैं, जैसे कि हिंदू हो गए या फिर और कोई धर्म हो गए, तो वो यहाँ पर आएंगे इसमें पिछड़ा वर्ग, यानी कि OBC कैटेगरी के अंदर आएंगे। आप मुस्लिम है, यानी कि इसमें से कोई भी वर्ग है आपका, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तो आप यहाँ पर अल्पसंख्यक के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। आप SC में है तो आपके काम का ये वाला बॉक्स है, आप यहाँ से कुछ क्या कुछ करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। आप OBC के अंदर आते हैं तो यहाँ से करेंगे, और आप जो है मुस्लिम के अंदर या फिर इनमें से कोई सा भी धर्म जो मैंने आपको बताया था रेड कलर में जो लिखा हुआ है, आप इसमें से आप कोई सा भी एक धर्म है, यानी कि मुस्लिम है, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। अब देखिए, इन दो बॉक्स का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यानी कि इसमें होता है फ्रेश और रिन्यू। जब आप पहली बार अप्लाई करेंगे तो आप इस बॉक्स से अप्लाई करेंगे। आपने जो है पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर लिया, लेकिन आप जो है उसको रिन्यूअल करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, तो आप इस बॉक्स से अप्लाई करेंगे। अदरवाइज आप SC या ST कैटेगरी के हैं तो इन दो बॉक्स से करेंगे। आप OBC से हैं तो इन दो बॉक्स से करेंगे, ठीक है, फ्रेश इससे और रिन्यूअल इससे। आप माइनॉरिटी में हैं तो इन दो बॉक्स से करेंगे, यानी कि फ्रेश अप्लाई करेंगे इससे और रिन्यूअल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सी क्लास है, कहाँ से करना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। दोस्तों, आप 9th या 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से प्री मैट्रिक पर लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो है अप्लाई करेंगे। आप फर्स्ट ईयर या फिर इंटर में हैं तो आप यहाँ से फ्रेश अप्लाई करेंगे, और आप जो है इंटर से किसी और यानी कि ऊपर की क्लास में है, जैसे कि BA, BSc, BCom वगैरह, या फिर MCom, MSc, पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन, या फिर कोई डिप्लोमा हो गया, फिर कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल वगैरह हो गया, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक उसी तरह से आप रिन्यूअल करेंगे, तो 9th 10th का रिन्यूअल करेंगे तो यहाँ से करेंगे, इंटर का करेंगे, फर्स्ट ईयर का तो यहाँ से करेंगे, या फिर उससे ऊपरी क्लास का करेंगे तो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर करूँगा MCom के लिए अप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ से जो है
पर क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ से फोर्थ मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, तो अब मैं जो है यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा और यहाँ पर जो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस यानी कि पूरा फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है आप अपना यहाँ से कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका कॉलेज का नाम हो वो यहाँ से कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो है वर्ग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग आ गया है, मैं यहाँ से सिंपली अल्पसंख्यक वर्ग सेलेक्ट करूंगा। देखिए उसके बाद यहाँ से आप अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर मुस्लिम हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपली मुस्लिम सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। देखिए आप नाम क्या डालना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर। अदरवाइज दोस्तों आप 10th में या फिर 12th में या फिर किसी भी क्लास में है, यानी कि आप हमने हाई स्कूल पास कर लिया, तो कोई भी डिटेल डालनी है तो आपको जो है हाई स्कूल के जो भी आपके मार्कशीट में हो वो यहाँ पर आपको नाम डालना है। यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है, यहाँ पर माता का नाम डालना है, यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ किस तरह से डालनी है, इस तरह से डालनी है आपको। ये देखिए इस तरह से आपको जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर अपना लिंग सेलेक्ट करना है, मेल या फिर फीमेल। यहाँ पर जो है अपना हाई स्कूल का बर्थ डालना है, किस कौन से साल में आपने हाई स्कूल पास करा है। यहाँ पर जो है अपना बोर्ड डालना है, यूपी बोर्ड से करा है या फिर सीबीएसई बोर्ड से करा है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर जो है ये इस वाले बॉक्स में आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ पर डालना है अपना हाई स्कूल का अनुक्रमांक, जो भी आपका हाई स्कूल का अनुक्रमांक हो वो डालना है। यहाँ से आपको डालना है विद्यालय संस्था का नाम, यानी कि कहाँ कौन से विद्यालय से आपने हाई स्कूल करा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर जो अपनी ईमेल आईडी है तो आपके पास डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको छोड़ भी देना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। देखिए आपको जो है मिनिमम 6 करेक्टर का आपको पासवर्ड तो होना ही चाहिए। अब दोस्तों पासवर्ड कैसे डालना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पासवर्ड कैसे डालना है, यानी कि पहला करेक्टर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद 2-3 अक्षर स्मॉल होने चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, 2-3 नंबर होने चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, इस तरह से आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डालने के बाद एक बार आपको फिर से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों जैसे ही आप इस पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो है आपके सामने स्लिप आ जाएगी, तो आपको इसको सिंपली प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ से होम पर जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप आ जाएंगे होम पर, तो आपको फिर से यहाँ पर स्टूडेंट पर जाना है और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर सामने दो बॉक्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर यह रिन्यूअल का है, आपको इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आना है फ्रेश पर और आपको जिस भी आपसे यहाँ से ऑनलाइन करा था पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। हमने इसी लिंक से जो है वहाँ से अप्लाई करा था, तो आपको यहाँ से ही इसी लिंक पर आपको जो है लॉगिन करना है। तो हम इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपने जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर जो भी हमने अपना पासवर्ड क्रिएट करा था वो यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर जो है सबमिट कर देंगे। दोस्तों किसी वजह से आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉरगेट पासवर्ड पर, दोबारा से आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है, टिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा, पूरा जो है फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और पूरी एक एक चीज को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पैसों का मामला है आपको इसको ठीक से भरना है। दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पाठ्यक्रम का बर्थ, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कोर्स आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम यानी कि जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पाठ्यक्रम का ब्रांच आपको एम कॉमर्स सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं एम कॉम का अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आता है पाठ्यक्रम का वर्षीय अवधि, यानी कि आप पहले साल में जो अप्लाई कर रहे हैं या फिर दूसरे साल के, जो होता है 2 साल का होता है तो हम पहले साल के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये पूछ रहा क्या प्रीवियस लेटर एंट्री पर आधार पर हुआ है, तो यहाँ पर आपको नो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे दिवा छात्र आपको करना है, अदरवाइज आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको आवासीय छात्र करना है या फिर आप दिवा छात्र ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर जो अपने हाई स्कूल के नंबर से डालिएगा, कितने नंबर थे यहाँ पर, कितने का पूर्णांक था और यहाँ पर कब आपने पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष प्रवेश थी, यानी कि जो आपने फीस रसीद वहां से ली थी कॉलेज से अपने, वो जो फीस स्लिप पर जो भी डेट थी आपको वो यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर भी वही डेट डालनी है जो भी आपको उसी पे था, जो फीस रसीद पे था वो यहाँ पर आपको डेट डालनी है। यहाँ पर जो अपना विश्वविद्यालय बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, जो आपका पंजीयन क्रमांक होता है वो यहाँ पर डालना, अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं पहले साल में। दूसरे साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालिएगा, अपना जो भी पहले साल का एनरोलमेंट नंबर था वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देना है, एमजेपीआरयू यूपी के अंदर जो
MJPRU आप टाइप करिएगा या फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नाम हो यहाँ से आप यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको आपके इंटर के आधार पर आपका एडमिशन हुआ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। यहाँ से अपनी पात्रता सेलेक्ट करेंगे, पाठ्यक्रम की पात्रता, जैसे कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप कुछ भी जो भी आपके पात्रता हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ पर इंटर का बोर्ड भी यहाँ पर आपको सब छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जो आप जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद आप सिंपली जो है इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए उसके बाद जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना होगा। दोस्तों एड्रेस जो डालना है जो भी आपके आधार कार्ड पर है वो यहाँ पर आपने जो है दो लाइनों में इसमें और इसमें जो है आपका पूरे तरह से अपना कम्प्लीटली आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एड्रेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर जो भी आप अपना जो एड्रेस टाइप करेंगे इस पर टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर आ जाता है तो आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और इसको जो है सिंपली अपडेट पर क्लिक करना है। दोस्तों किसी कारणवश जो है यहाँ पर टिक करने से यहाँ पर एड्रेस नहीं आता है तो आपको यहाँ पर जो है एड्रेस फिर से दोबारा से टाइप करना है। टाइप करने के बाद जो है यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फिर से आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं ये सारी स्टेप आपको फिल करनी है। दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपना आय सर्टिफिकेट, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है उस पर जितनी भी आय वार्षिक आय वो आप यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर उसका नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर जो है उसकी तिथि डालेंगे और यहाँ पर जो है फॉर्म संख्या डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद फिर से इसको अपडेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर जो है बैंक डिटेल्स डालनी है अपनी। यहाँ पर जो है अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। इस वाले कॉलम में जो है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो भी आपका बैंक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो अपना खाता नंबर डालना है और यहाँ पर जो भी आपके बैंक पासबुक पर आपका नाम है वो आपको नाम को करेक्टर बिल्कुल जो स्पेलिंग आपके मैच होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद जो आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद जो है फिर से आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही आप आगे आ जाते हैं अगली नेक्स्ट स्टेप पर तो यहाँ पर आपको शुल्क यानी कि फीस जमा जो इंस्टीट्यूट में आप जो अपने सेंटर वगैरह या फिर जहाँ पर भी आप कोचिंग करते हैं या फिर आपने जो कॉलेज की आपको जो फीस डालनी है वो यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है स्कॉलरशिप में। देखिए सबसे पहले आप कॉलम देखेंगे अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर जो डालने आपको टोटल फीस डालने हैं। जैसे कि आप एमकॉम में पढ़ते हैं तो आप मान लीजिए आपकी एमकॉम में 8,000 रुपए फीस है तो यहाँ पर जो है टोटल 8,000 रुपए फीस है तो आप यहाँ पर 8,000 रुपए डालेंगे। जैसे मैंने 8,000 रुपए डाल दिए, अब मान लीजिए मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए 1,000 रुपए फीस जमा कर दी है तो वो आप जो डालेंगे वो यहाँ पर डालेंगे 1,000 रुपए। ठीक, जैसे कि मैंने 1,000 रुपए डाल दिया दोस्तों, अब टोटल जो 8,000 रुपए टोटल फीस थी वो यहाँ पर आ गई, 1,000 रुपए जो बची थी वो यहाँ पर आ गई, जो मैंने जमा करी थी वो यहाँ पर आ गई। अब कितनी जो शेष बची है वो आपको यहाँ पर डालनी है, जैसे कि 7,000 रुपए शेष बची तो 7,000 रुपए यहाँ डालनी है। जो भी आपको फीस स्लिप मिली थी 1,000 रुपए जो आपने जमा करी थी वो फीस रसीद यहाँ पर डालनी है, किस डेट में आपने जमा करी थी वो यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है, टिक करना है और यहाँ पर फिर से इसको अपडेट कर देना है। देखिए उसके बाद में जो आपके जो भी आप क्लास पास करके गए हैं उसके बाद यहाँ से यहाँ पर आप डिटेल से डालेंगे। जैसे कि किसी ने बीकॉम करके जो आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है बीकॉम की जो सारी डिटेल डालेंगे। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा प्रणाली करेंगे, यहाँ पर भी ये सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो आप जो भी आपने क्लास पास करी है उसके यहाँ पर प्राप्तांक डालेंगे, जो आपके नंबर है कितने में से कितने नंबर है यानी कितने का पूर्णांक था, यहाँ पर संस्था का नाम डालेंगे, यहाँ पर जो है परसेंटेज डालेंगे, यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड डालेंगे, टिक करेंगे और यहाँ से फिर से इसको अपडेट कर देंगे। इसके बाद में आप दोस्तों यहाँ पर इसकी अगली नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नो ही रहने देना है। सिंपली आपको जो है कैप्चा कोड डालना है और यहाँ पर जो है फिर से टिक करना है और यहाँ से जो है फिर से इसको अपडेट कर देना है। देखिए दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं इसको तो ये सारी स्टेप जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई है, अदरवाइज जो है आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म कंप्लीटली भरा जाएगा। अब आप यहाँ पर नाम जो है आपका नाम आ रहा है लॉगआउट के बराबर में तो आप इसे नाम पर सिंपली क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों नाम से जो है कुछ नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर होम पर क्लिक करेंगे। होम पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर फिर से वापस आ जाएंगे तो वापस आने के बाद आप यहाँ पर फोटो अपलोड करें इस स्टेप पर आपको आना है। अदरवाइज दोस्तों आपका फॉर्म किसी कारणवश बीच में बंद हो जाता है तो आपसे फिर से वहां पर जाइएगा, वेबसाइट पर जाइएगा और उसको लॉग इन कर लीजिएगा द्वारा, फिर आप यहाँ पर इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको फोटो चूज करना है और यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है। याद रखें कि 20 KB से ज्यादा का फोटो ना हो, 20 KB से कम का फोटो हो उसको अपलोड कर देना है आपको। देखिए जैसे यहाँ पर आप चूज करते हैं और इसको अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू का बटन आ जाएगा तो आपको इस पर व्यू फोटो पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू फोटो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से आपका जो फोटो अच्छे से अपडेट हो जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ पर होम बटन आपको दिख रहा है तो आपको इस पर होम
होम बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको दो जो है स्टेप आपको ब्लू नजर आएंगे, जो बाकी जो दो स्टेप है आपको ये रेड नजर आएंगे। तो आपको यहाँ पर दो स्टेप का सारा काम है। आप देख रहे हैं आवेदन पत्र को संशोधित करें और नीचे जो स्टेप आ रहा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपको यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करना है, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा दोस्तों। अब इसको आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में जो है आपको इस प्रिंट को अपने कॉलेज में ले जाना है। कॉलेज में ले जाने के बाद आपको उनको कॉलेज वाले जो भी आपके टीचर्स हैं उनको बोलना है कि हमारा फॉर्म चेक करिएगा अच्छे से। उनको चेक कराना, चेक कराने के बाद वो कुछ भी आपको आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक बताते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर आना है और इस वेबसाइट को आपको लॉग इन करना। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से वही फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह का थोड़ा साइड जो है बिजी चल रही है, इसको ओपन होने दीजिएगा। देखिए जैसे आप संशोधन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके फॉर्म में जो भी आपके फॉर्म में मिस्टेक बताई है तो आप वहां पर उसी स्टेप पर जाइएगा। जैसे बैंकिंग में आपको कोई डिटेल्स बताई है तो आप बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहां पर जाकर के उसको अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आपको करेक्शन कर लेना है। करेक्शन करने के बाद में जो है आपको सारा फॉर्म आपको ठीक हो जाता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं तो जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन पत्र को 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें। दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट यानी कि संशोधन यानी करेक्शन करने के बाद में आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये बाकी ऑप्शन जो है आपके रेड हो जाएंगे, यानी कि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इस पर क्लिक करने के बाद आप 3 दिन के बाद जो है आपको ये वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली ब्लू नजर आएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप जो 2 या फिर 3 प्रिंट आपको निकलेंगे वो 2-3 प्रिंट निकाल करके उसके पीछे जो आपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाना है। आपने कॉलेज में पूछ लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ में लगाना है, वो सारे कुछ डिटेल फिल करके यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद जो है अपना फॉर्म को जो है कॉलेज में जमा करना है। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप फॉर्म जमा करते हैं उसके बाद की क्या प्रोसेसिंग होती है। देखिए दोस्तों जैसे ही आप इसकी जो होम वेबसाइट पर आते हैं तो वो यहाँ पर जो पूरी प्रोसेस दिखा देगी, यानी कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में फॉर्म सबमिशन यानी कि फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद जो है कॉलेज की तरफ से आपके फॉर्म को वेरीफाई करा जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी करा जाएगा, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके फॉर्म को वेरीफाई करा जाएगा, उसके बाद जो है आपके फॉर्म के लिए यानी कि आपके लिए फंड अलॉटमेंट होगा, तो उसके बाद ही आपको जो है फंड डलेगा। तो ये थी सारी प्रोसेसिंग स्कॉलरशिप फॉर्म की, कैसे आपको भरना है और कैसे आपको फिलअप करना है और क्या कुछ करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आई होप कि आपको जो है वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं चित्रा के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।